वाह जी वाह, दूसरों के माँ बाप के बारे में आप कह रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसके बाद खुद ही ये बात कह रहे हैं माँ की आंख। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और इस वक्त जो मैं बात कह रहा हूं दोस्तों, बिग बॉस के होस्ट एंड दोस्त सलमान खान जी की बात कर रहा हूं और सलमान जी के एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जिस पर किश्वर मर्चेंट ने, जो कि बिग बॉस की एक प्रतिभागी रह चुकी हैं, कंटेंडर रह चुकी हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। बता दूं आपको दोस्तों, तो किशोर मर्चेंट ने जो है, एक्चुअली कल का मैं इंसिडेंट की बात करता हूं, कल के दिन जो है विकास और अर्शी दोनों के ही बीच का मामला जो है काफी ज्यादा जो पेचीदा हो गया था वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते हुए नजर आया। सलमान खान जी ने वो चीजें करी हैं, क्लियर करी हैं, और उसके बाद सलमान खान जी ने जो है ये भी बात बोली थी कि तुमने गलत किया, तुमने ये किया वो किया, लेकिन यहाँ पर सलमान खान एक बात को बोल गए दोस्तों कि अगर माँ बाप पर आएगा तो उसकी माँ की आंख, ठीक है, ये बात बोलते हैं सलमान खान स्टेज में। अब इसी चीज को किश्वर मर्चेंट, जो कि बिग बॉस की प्रतिभागी रह चुकी हैं और अच्छा खेला था उन्होंने काफी, उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया और आपको बता दूं तो उन्होंने ट्वीट किया, ऐसी दिस इज द ट्वीट, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है उसकी माँ की आंख, टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स पेरेंट्स व्हाइल डिसरिस्पेक्टिंग वन हिमसेल्फ। वाओ, ये इस तरीके का एक वी वाला जो होता है निशान बनाया उन्होंने, ऐसा वाला जो एक इमोजी होता है वो बनाया है यहाँ पर दोस्तों। किश्वर मर्चेंट कहती हैं कि उसकी माँ की आंख बोलते हो आप, टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिंग, आप एक तरफ बात कर रहे हो कि रिस्पेक्ट करो एक दूसरे के पेरेंट्स को, माता पिता को रिस्पेक्ट करो, और उसके बाद आप सीधा ये बात बोल रहे हो कि आप उसकी माँ की आंख, ये कहां का इंसाफ है। तो यहां पर किश्वर मर्चेंट ने नाम ना लेते हुए दोस्तों टारगेट कर दिया है सलमान खान को, बिग बॉस के होस्ट को। अब देखते हैं कि लोगों का इस पर क्या रिएक्शन आता है, लोग क्या कहते हैं, सारी ही बातें आप लोगों को बताऊंगा मैं जैसे ही मुझे पता चलेंगी। आप बस बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।